भाई ये इधर को टेढ़े हो रहे हैं, ये इधर को गिरेंगे, मैं तो इधर से निकाल लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ऐसे हाथ मार के धक्का देके से गिरा दूँ। क्या हाल है भाई सभी के, आ चुके हैं क्या, जा रहे हैं भाई लखनऊ और डीएनडी फ्लाईओवर पे खड़े हैं। काफी शोर आ रहा होगा इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। और डीएनडी फ्लाईओवर पे खड़े हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। बाकी तो भाई यहाँ से शोर से निकलते हैं पहले, फिर तो भाई मिलते हैं लखनऊ में। और ये हाईवे मसाला है आगे थोड़ी सी आके कोने में। हाँ, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है, और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। अभी आपको एक बार यहाँ का शॉट दिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा मतलब बाकी रेड बुल ने ये ट्रिप स्पॉन्सर कर रखा है। और फेवरेट ड्रिंक रेड बुल। मजा के भाई खाना मंगा लिया है, अभी आएगा खाना तो दिखाते हैं क्या क्या ऑर्डर किया है हमने। भाई मंगा लिए, खाना मंगा लिया है, दिखा देता हूँ। सो खाना खा लिया यहाँ पे हाईवे मसाला पे, और पर्सनली मतलब अपने वो देते हैं ओपिनियन। भाई खाना टेस्टी था, बहुत बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया खाना खा के, क्योंकि वैसे ज़्यादातर हाईवे पे खाना अच्छा मिलता नहीं है। तो भाई मज़ा आया खाना खा के, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब फर्स्ट स्टॉप हमारा आगरा होगा जहाँ पे हम रुकेंगे। अब इसी आगरे रुकेंगे, सुसु बीच में आ गई तो रुक जाएंगे। हाँ भाई 2:45 हो चुके हैं, गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है 120, 300 किलोमीटर चल चुकी है दिल्ली से अब तक, तो ठीक है यार जल्दी पहुंच गए, क्या जाता है। बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि भाई 300 किलोमीटर इतनी जल्दी। और बता दें सबसे बड़ी रोड, बड़ा रूट है जो हाईवे बना हुआ है पूरे इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यही है। दिल्ली टू लखनऊ। तो भाई करीब 350 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी मैंने। अब मैंने भाई को बोला भाई आप गाड़ी चला लो, और भाई आगे पहुँचे करीब, कहाँ पहुँचे हम, इटावा पड़ता है भाई, एक जगह है इटावा। अब यहाँ से करीब 230-20 किलोमीटर रह गया, और भाई अभी भी रास्ते में चले जा रहे हैं। और कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रोड का भाई? चाय पीनी है। चाय तो मिलेगी भाई, नीचे एग्जिट करके चाय मिलेगी। तो भाई फाइनली चाय ले ली हमने। भाई पता है क्या, मैं किसी के बेइज्जती नहीं करूँगा ना, इसमें कोई ये बोले कि भाई कि चीज़ों का नुकसान नहीं करना चाहिए किसी को, दे दे तो मैं बता रहा हूँ क्या है। यहाँ पे रुके थे कहीं मिडवे है, ये क्या है
मॉली है, मॉली है भाई। चाय ली थी अभी हमने, और भाई मैं भी ये नहीं देता हूँ चाय, मज़ा नहीं आया यार सच में। ऐसा लगा नहीं, मैं पत्ती लगा के दे रखी है भाई। और आपको जगह दिखा देता हूँ मैं एक बार कि कैसी है, फिर आप देखना। यहाँ पे ऐसी चाय मिली हमें इस जगह पे। तो भाई पता है क्या चीज़ों का है ना, चीज़ों का अपमान नहीं कर रहे हम, लेकिन यार वो क्या था, सिर्फ दूध में, दूध तो था ही नहीं उसमें, और ना चीनी थी, पत्ती थी और पानी था, पानी में पत्ती लगा के दे रखी थी। अब भाई उसे क्या पीते, थोड़ी कोई मरीज है भाई, इधर को टेढ़े हो रहे हैं ये इधर को गिरेंगे, मैं तो इधर से निकाल लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ऐसे हाथ मार के धक्का दे के इसे गिरा दूँ। देख लो यार इमना एक्सप्रेस वे पे भाई कैसे टेढ़े टेढ़े चला रहे हैं। ये दूसरा ट्रक भी ऐसे ही है यार, ये घना टेढ़ा देख, इनकी टेढ़ी टेढ़ी तक टेढ़े गाँव से ये सारे ट्रक। खास 500 किलोमीटर आ चुके हैं, 500 किलोमीटर ही है, और टाइम हो रहा है अभी 5:08। तो भाई देखते हैं अभी क्या करना है। और वैसे भाई अभी अभी छोटा सा ब्रेक के लिए रुके हैं, मतलब यार कमर दुख गई बैठे बैठे काफी टाइम, और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और एक है ना सनसेट का बड़ा प्यारा सीन है, वो दिखाता हूं थोड़ी सी देर बाद। एक्सप्रेस वे एंड भाई, एक्सप्रेस वे एंड हो चुका है ना भाई, एंड हो गया ना, तो एंड तो नहीं देखते। तो भाई यहाँ से है लखनऊ का रास्ता, ऐसे कुछ बोलेंगे ना भाई। सो फाइनली रेडिसन पहुंचे हैं, रेडिसन ब्लू, ये लखनऊ में है हजरतगंज में, और अभी जस्ट रूम बुक किया है, लाइक ऑनलाइन कर लिया था हमने, और अब पहुंचे हैं ऊपर, जाके फ्रेश व्रेश होके फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है। ये लिया है होटल, अच्छा होटल है यार, पर्सनली काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग फैसिलिटी मिली है, दिखा भाई। तो यहाँ पे देख लो, पहले पहली बार तो भाई दो बेड, दो बेड इसलिए लिए थे क्योंकि हमारी मेरी आदत और इनकी आदत ऐसे ऐसे पकड़ के सोने की, तो इसलिए पहले बोला भाई अलग अलग बेड ले लेते हैं। भाई दो बेड है, दो बेड है और टॉर्च है। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि मतलब नीट एंड क्लीन है, फाइन है, अच्छा रूम है, बाथरूम ये है इसका, और ये शॉवर एरिया, यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर, इसमें आयरन, यहाँ पे एक छोटी सी सेफ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पिलो रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी की बॉटल्स, ग्लास, टी मेकिंग, कॉफ़ी मेकिंग, और ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर दो रियल फ्रूट्स, डेरी मिल्क, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, बस ये रखा हुआ है। यहाँ पे नाचोस नाचोस सारे नाचोस, और भाई ये काजू, और ये बादाम, मतलब पूरा सिस्टम है उसका मौसम बनाने का। और बाहर का व्यू आपको दिखेगा नहीं, फिफ्थ फ्लोर पे बाहर का व्यू आपको दिखेगा नहीं, बाहर का व्यू नहीं दिखेगा, हम ही दिखेंगे इसमें, बाहर का व्यू नहीं दिखेगा, कोई नहीं, बाद में दिखाएंगे मॉर्निंग में। भाई दिल्ली के रेडिसन में ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे वहाँ पे नहीं है, द्वारका वाले, द्वारका वाले में, द्वारका वाले में ये फैसिलिटी नहीं है भाई। और मैंने ये फैसिलिटी यहाँ पे देखी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, वन टच फैसिलिटी बोलते हैं इसको, जो भी हमें रूम के बारे में ब्रीफ भी करके गए थे, हर चीज की है ना वन टच फैसिलिटी है। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये देखें वन टच, आप उधर की लाइटिंग देख रहे होंगे, तो वन टच फैसिलिटी है भाई, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, हाँ सारी वन टच फैसिलिटीज हैं, ये टीवी की भी वन टच है, और यहाँ पे टीवी ऑन हो गया, सारी मतलब पूरा रूम ये वन टच है। अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये भी वन टच है, ये यहाँ पे टच करेगा
और कर्टेंस और वन टच पे ये क्लोज है। बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी पहली बार ये ना वेलकम होटल में है, ना पिकाडली में है, ना हयात में है, ताज में हो सकती है। ताज में बताया था किसी ने कि ताज में है ये फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटी यहाँ के इन्होंने लखनऊ वाले रेडिसन में दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो भाई अभी मैं और दीपक भाई इंस्टाग्राम पे लाइव बैठे हुए थे हमारे पेजेस पे। सो अब हम लाइव बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से, अपने टी शर्ट तो छोड़ दे भाई। अच्छा सॉरी। सो इस भाई को भाई लाइव आ जाओ भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे दोस्त, क्या कह रहे हो आप? सो भाई हम लाइव इंस्टा पे बातें कर रहे थे आज अपने रूम में बैठ के, तो सोचा कि भाइयों को भी वीडियो में लाइव ले लेते हैं अभी हम। तो यार ये आप कैमरा हैंडल करो और अरे तो कर लो ना यार, हम दोनों साथ में आएंगे ना। तो भाई अभी लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे, तो जाके फॉलो कर लो, फॉलो कर लो अपने दारियल वन इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, इसको जाके फॉलो कर लो। और भाई क्या अब जा रहे हैं बाहर कुछ खाने, भूख लग रही है, पैसे ही दे रहे हैं मेरे पास है नहीं मजाक कोई नहीं भाई, इस बार मैं ट्रीट दे देता हूँ इसको। चलो भाई होते हैं खड़े फिर और निकलते हैं अपने कहाँ पे बाहर। तो भाई रिक्शा में जा रहे हैं, गाड़ी छीन ली। अरे यहाँ पे जो ये होटल का स्टाफ है उन्होंने बोला है कि बेटर होगा कि आप रिक्शा में जाएं। भाई रेस्टोरेंट का नाम है दस्तर खान, ऑर्डर किया है खाना, सुना है फेमस है खाना, और पूरी ये जो गली है पूरी एक रोड है उस पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। अभी जाके खाना वाना खा के जाके आपको दिखाते हैं, उसका रिव्यू देते हैं। और इस मार्केट का नाम है तुलसी मार्केट बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये, और बताते हैं कि अगर जो यहाँ पे लखनऊ में आया और उसने दस्तर खान का खाना नहीं खाया तो कहीं का खाना नहीं खाया। बाकी भाई ट्राई करते हैं फिर रिव्यू देते हैं आपको उसके बारे में।